सो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप किसी के भी वीडियो का टैग कैसे कॉपी कर सकते हैं, वो भी अपने फ़ोन के मदद से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को इनेबल जरूर से कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। दोस्तों, किसी का भी टैग कॉपी करने के लिए सबसे पहले आपको अपना YouTube ओपन करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है और टॉपिक, जिस टॉपिक का आपका वीडियो है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल के लिए सर्च कर लेता हूँ, हाउ टू अपलोड वीडियोज ऑन YouTube। तो जैसे ही मैंने इसको सर्च किया तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट में आ रहा है मनोज दे का ये वीडियो। इसका मतलब इस वीडियो का SEO अच्छे तरीके से किया गया होगा, टैग अच्छे खासे लगाए गए होंगे, ठीक है। तो ये टैग हमें भी चाहिए ताकि हम भी अपना वीडियो को रैंक करवा सके। इसके लिए सबसे पहले आपको करना ये होगा दोस्तों कि आपको इस वीडियो का लिंक कॉपी करना होगा। आपको इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लिक करना है थ्री डॉट पर, और यहाँ पर आपको दिखाई देगा शेयर का बटन। आप इस पर क्लिक करके इस वीडियो का लिंक कॉपी कर सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो को प्ले करने के बाद आपको दिखाई देगा यहाँ पर शेयर बटन, आपको इस पर क्लिक करके कॉपी लिंक कर लेना। यानी कि आपको वीडियो का लिंक ही चाहिए किसी भी कंडीशन में। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना प्ले स्टोर ओपन करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है दोस्तों टैग यू, एंड आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। मैंने इस ऐप को पहले ही इंस्टॉल करके रखा हुआ है, इसलिए मुझे यहाँ पर ओपन आ रहा है, तो मैं इसको सिंपल ओपन कर लेता हूँ आपके सामने दोस्तों। और यहाँ पर ये ऐप ओपन हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइनली ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ढेर सारा टूल, जैसे कि सजेस्ट कीवर्ड, गेट टेक्स्ट फ्रॉम URL, फाइंड कंपटीटर वगैरह वगैरह आपको यहाँ पर दिखाई दे देगा। बट आपको यहाँ पर क्लिक करना है गेट टैग फ्रॉम URL पर, ताकि आप किसी की वीडियो का टैग कॉपी कर सकें। इसके बाद यहाँ पर आपको उस वीडियो का लिंक पेस्ट कर देना है इस तरह से, और यहाँ पर आपको कुछ टाइम रिमेनिंग लेगा, और यहाँ पर आपको दिखाई देगा एक ऐड जो कि 5 सेकंड का होगा। आपको इसको देखने के बाद, इस ऐड को 5 सेकंड के बाद आपको क्लोज कर देना होगा, जो कि मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4, 3, 2 एंड 1 एंड लास्ट, यहाँ पर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। फाइनली यहाँ पर रिजल्ट आपको मिल जाएगा कि उस वीडियो में कौन कौन से टैग लगाया गया है। तो यहाँ पर ये भाई ने लगाया था हाउ टू अपलोड वीडियोज ऑन यूट्यूब एंड यूट्यूब टिप्स वगैरह वगैरह, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इन टैग्स को कॉपी करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, बस इन पर इस तरह से क्लिक करना है, बाकी यहाँ पर ऑटोमेटिक ये कॉपी हो जाता है। अगर आपका फिर भी ना हो तो आप यहाँ पर इस आइकन पर क्लिक करके कॉपी कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि आप इन टैग्स को बारी बारी से ही कॉपी करना, नहीं तो आपको बाद में प्रॉब्लम होगी आपकी अपनी वीडियो में इन टैग्स को ऐड करने में, ओके। तो अब इन टैग्स को अपनी वीडियोज में कैसे ऐड करना है आप अभी ये भी जान लो, अगर आप नहीं जानते हो कुछ भी। तो सबसे पहले आपको अपना वाइट स्टूडियो ऐप ओपन करना है, और यहाँ पर आपको अपनी वीडियो वाला सेक्शन में आप उस वीडियो पर क्लिक करेंगे जिस वीडियो पर आप इन टैग्स को लगाना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है इस पेंसिल वाले आइकन पर, और यहाँ पर आपको सबसे लास्ट में क्लिक करना है टैग कैटेगरी कमेंट्स एंड मोर पर, और यहाँ फर्स्ट में आपको दिखाई देगा ऐड टैग्स। आपको सिंपल इस पर क्लिक करके अपने कॉपी किए गए टैग को पेस्ट कर देना है, और यहाँ पर आपको इस पर क्लिक जैसे आप करेंगे तो आपका टैग ऐड हो जाएगा। तो इसी तरह बारी बारी हर एक टैग को आप कॉपी कर सकते हैं, और यहाँ पर आप पेस्ट करके अपनी वीडियो में ऐड कर सकते हैं।